नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशांत आर्ट के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ज्वेलरी को कैसे स्मज करना है, क्योंकि मेन यही प्रॉब्लम होता है कई बार कि ज्वेलरी इतनी छोटी 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 डिटेल होती है जिसको स्मज करने में बहुत टाइम निकल जाता है, और इतना टाइम देके वो कीचड़ टाइप भी दिखने लगता है। और दूसरी बात, अगर धीरे धीरे छोटा छोटा स्मज कर भी दिया तो दूर से दिखता भी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? कई बार जो साड़ी होती है लेडीज़ की, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन होती है, तो उस टाइम पे समझ नहीं आता है कि समझ करके इसको बिगाड़ूँ या वैसे ही छोड़ दूँ। अगर वैसे ही छोड़ दिया तो बाकी तो समझ टाइप ऑयल पेंट इफेक्ट मिल जाता है स्किन को वगैरह, हेयर को, बैकग्राउंड को, पर साड़ी तो ओरिजिनल ही दिखती है। तो समझ नहीं आता है कि उसको समझ करूँ कि वैसा ही छोड़ दूँ। स्मज किया तो गंदा दिखने लगता है, और वैसा ही छोड़ दिया तो ओरिजिनल दिखने लगता है। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं बताता हूँ ज्वेलरी को और साड़ी को कि किस तरह से स्मज करना है ताकि वो ऑयल पेंट इफेक्ट मिले। एकदम ईजी है, आप समझ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सपोर्ट दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और मैं एक आपको एग्जाम्पल के लिए एक फोटो लिया है मैंने, जिसके ऊपर ये ज्वेलरी है और साड़ी है, और साड़ी पे भी छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी है। मेन चीज़ है कि फोटो थोड़ा ब्लर भी है। आप अगर ऐसा फोटो आपको मिलता है ज्वेलरी है तो इसको समझ नहीं कर सकते, और ऐसी एम्ब्रॉयडरी है तो इसको छोड़ भी नहीं सकते और समझ भी नहीं कर सकते। आप देखेंगे तो इसको कैसे समझ कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़े ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ। और अगर समझ लो ऐसी ज्वेलरी को समझ करेंगे और इसकी थोड़ी भी डिटेल बिगड़ गई तो पूरे ज्वेलरी का सत्यानाश हो जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगी, गंदी दिखने लगेगी, कीचड़ टाइप। तो हमें क्या करना है, उसका थोड़ा भी डिटेल इधर का उधर नहीं हिलाना है। एक्चुअली हम समझ करते हैं तो क्या करते हैं, जो छोटा छोटा नॉइस है उसको निकाल के एक ही बड़ा पैच रखते है, बड़ी डिटेल, बड़ा स्ट्रोक ब्रश का रखते हैं, ताकि वो लगे कि एक पेंट का एक थोड़ा फील मिल सके और ब्रश स्ट्रोक टाइप लगे। तो इतनी छोटी छोटी डिटेल तो हम समझ नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना है, एक फिल्टर यूज करना है। पहले तो मैंने क्या किया है कि एक ज्वेलरी को अलग लेयर पे लिया है, साड़ी को अलग लेयर पे लिया है। तो देख सकते कि ये ज्वेलरी मैंने अलग लेयर पे रखी है, साड़ी अलग लेयर पे है, और पीछे अपना फोटो है। बाकी स्मजिंग कैसे करना है वो सब मैंने पिछली वीडियो में बताया है। वो इस वीडियो में सिर्फ ज्वेलरी और डिटेल्ड पार्ट है, जैसे एम्ब्रॉयडरी, उसको स्मज कैसे करना है ये समझाना है, इसलिए मैं बाकी स्मजिंग वगैरह कुछ नहीं किया है। तो पहले क्या करना है, ये ज्वेलरी है इसका कलर करेक्शन करना है। उसको क्या करना है, बाकी स्किन का वगैरह कलर करेक्शन करना है तो वो अलग टाइप से करना है, उसको ऑरेंज टोन वगैरह देना है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कलर करेक्शन के बारे में। तो इसमें क्या करना है, ये ज्वेलरी को थोड़ा हाईलाइटेड करना है, ताकि यही आपको कई बार मैंने बोला है कि मैं फोटो को थोड़ा ब्यूटीफाई करने की कोशिश करता हूँ, और लड़कियों का बहुत गहना होता है, वो बहुत बड़ी चीज होती है उनके लिए, उनका पूरा फोकस ध्यान वो ज्वेलरी पे भी होता है। तो हमें उसको क्या करना है, थोड़ा हाईलाइट करना है ताकि वो अच्छे से दिख सके। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और ज्वेलरी को, ज्वेलरी के लेयर को सिलेक्ट कर दिया है, उसके बाद मैं कंट्रोल और बी बटन प्रेस करता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका यहाँ पे देखेंगे मिड टोन है, वो मिड टोन को थोड़ा बढ़ाऊंगा ताकि वो येलो दिखे, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा रेड ऐड कर दूंगा ताकि वो प्योर गोल्ड टाइप दिखे। अभी हो गए, गोल्ड का कलर आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है, वो भी कैसे, येलो कलर से। हमें उसका ब्राइटनेस नहीं बढ़ाना है, येलो कलर के साथ उसको ब्राइट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका हाईलाइट बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट पे बटन पे क्लिक किया है, और इसको मैं, आप देखेंगे वो कितना ब्राइट हो रहा है, हाइलाइटेड दिख रहा है, ताकि ध्यान पहला वो ज्वेलरी पे जाए। अगर कोई बोलता है तेरी ज्वेलरी अच्छी है तो वो खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, कलर पहले करना है अच्छे से, उसको हाईलाइट करना है अच्छे से, उसमें थोड़ा सा रेड मिक्स करेंगे तो पीला ना दिखे, थोड़ा गोल्ड टाइप दिखेगा। आप देखेंगे ज्वेलरी थोड़ी हाईलाइट हुई है और गोल्ड ही कलर ही है। अभी क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर में जाना है, नॉइज में जाना है, डस्ट और स्क्रैचेस का ये ऑप्शन है उसको क्लिक करना है।
आप देखेंगे ये स्मज हो भी चुका है और ऑयल पेंट इफेक्ट भी आया है। देखते हैं, एक मिनट, इसका मैं एक डुप्लीकेट लेयर निकाल के दे देता हूँ। ये फिल्टर यूज करना है खाली, अपना टाइम भी बचेगा बहुत, काम भी बिगड़ेगा नहीं। स्मज अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो गंदा दिखने लगता है, तो हम बिगड़ कुछ नहीं रहे तो इसका मतलब वो गंदा नहीं दिखेगा, सिर्फ उसका कलर चेंज करना है। और उसके ऊपर आप देखेंगे जो छोटा 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 नॉइज है उसको सिर्फ निकाल देने देना है। इसलिए हमें क्या करना है, फिल्टर में नॉइज में डस्ट और स्क्रैचेस का ये फिल्टर ऑन करना है। ध्यान रखिए कि ये ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो ये पूरा ये पीला ही हो जाएगा। पहले तो जीरो कर लो और 0.5 या मैक्सिमम 1% 1 पिक्सल का यहाँ पे ये करना है, ये क्या दो देख लेना। अगर छोटी छोटी डिटेल है और फोटो ब्लर है तो पूरा फोटो ये ब्लर हो जाएगा। बस इतना करके छोड़ देना है। होगा क्या, जैसे कि मैं बताया कि स्किन का मैं नॉइज वगैरह पिंपल वगैरह निकाल देता हूँ, उससे वो ब्यूटीफाई हो जाता है, सेम वैसा ही इसका जो नॉइज है आप देखेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो नॉइज है वो निकल गया है और वो पेंट टाइप फील आता है। अभी ये क्या है, फोटो ओरिजिनल है उसके वजह से आपको वो ज्यादा कुछ किया ऐसा नहीं लगेगा, पर आप फोटो फेस को स्मज करते हैं, हेयर क्रिएशन करते हैं, बैकग्राउंड करते हैं तो, और उसको ये फिल्टर मार देते तो अपना टाइम भी बचेगा और अच्छा भी दिखेगा। सेम साड़ी को भी वैसा ही करना है। यहाँ पे जाना है नॉइज डस्ट स्क्रैचेस, उसको भी ऐसा ओरिजिनल छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा उसको पेंट फिल देने के लिए ये करेंगे तो उसका नॉइज निकल गया ना तो वो पेंट टाइप ही लगने लगता है, ऑयल पेंट इफेक्ट ही होता है। कई बार इसके जो प्लगइन्स वगैरह मिल जाते हैं, उसको 2% दे देता हूं मैं। ध्यान रखिए कि सिर्फ उसका नॉइज निकलना चाहिए। अब देखेंगे सिर्फ नॉइज निकला है, फिर से देखिए यहाँ पे नॉइज निकला है और पेंट टाइप फिल भी आ गया है। और कई बार ये फोटोशॉप के प्लगइन होते हैं ऑयल पेंट का वगैरह, शायद इसमें भी रहेगा, ये ऑयल पेंट का फिल्टर भी है, पर ये मत यूज करो। वो क्या करता है, फोटो को ब्लर कर देता है, हमें ब्लर नहीं करना है वो, और उसमें छोटा छोटा नॉइज ऐड हो जाता है इसमें। मैं तो आप भी कर सकते हैं ऑयल पेंट फिल्टर यूज कर सकते हैं, पर मैं ज्यादा से यही यूज करता हूँ ताकि सिर्फ नॉइज निकल जाए और हल्का सा पेंट इफेक्ट मिले, बस इतना ही काफी है। और वही तो मैं फेस पे वगैरह अप्लाई करता हूँ। और मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड कई बार नेचर का फोटो होता है, सिंपली उसको ये फिल्टर मार देंगे तो वो पेंट टाइप ही लगने लगता है, तो ज्यादा समझ करने की जरूरत नहीं होती है। आप भी ऐसा कीजिए, पहले तो ज्वेलरी का कलर करेक्शन कर लीजिए अच्छे से, कंट्रोल बी करके इसको यहाँ से थोड़ा, और हाईलाइट में जाके ये थोड़ा बढ़ाओ बीच में तक, और उसमें थोड़ा रेड मिक्स करो, गोल्ड टाइप लगने लगेगा, हाईलाइट होगा और फोटो की ब्यूटी और बढ़ेगी, और उसके बाद वो फिल्टर मार देंगे तो अच्छा होगा। सेम कॉम्प्लिकेटेड डिटेल के लिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए, या चेक्स का शर्ट होता है चौकन चौकन चौकन, उसके लिए भी ये यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक पे।